नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है सामान्य विज्ञान के MCQs का पार्ट 4। दोस्तों, पार्ट 1 से लेकर 3 तक मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है 151 का प्रश्न। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों इसका आंसर है गन्ना के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों भ्रूण पोष होता है, नारियल के अंदर का भाग जो खाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। इसके बाद अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्धांत दिया था या किसने सबसे पहले खोज की थी? तो इसका आंसर है, इस वैज्ञानिक का नाम है कॉपरनिकस ने सबसे पहले खोज की थी। इसके बाद अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है या कौन सा है? तो इसका आंसर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है उसका पुष्प। इसके बाद अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है या कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर दोस्तों ब्रेक में। इसके बाद अगला प्रश्न, पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं या मुख्य कार्य कौन है? तो दोस्तों, पहला मुख्य कार्य है प्रकाश का संश्लेषण करना और दूसरा है बाष्पोत्सर्जन है। इसके बाद अगला प्रश्न, ग्रीन पीस क्या है? दोस्तों, ग्रीन पीस एक भारत पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या? ग्रीन पीस। इसके बाद अगला प्रश्न, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? ऐसे भी बोल सकते हैं, पाया जाता है एसीटिक अम्ल। इसके बाद अगला प्रश्न, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों अरस्तु को। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों मूंगफली का। इसके बाद अगला प्रश्न, कोशिका को एक निश्चय रूप कौन प्रदान करती है? तो इसका आंसर दोस्तों कोशिका भित्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑक्सीटोसिन। इसके बाद अगला प्रश्न, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी का नाम है रानी खेत। इसके बाद अगला प्रश्न, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? किस यंत्र का नाम है दोस्तों? लैक्टोमीटर से। इसके बाद अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में एट अबीवा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है कहाँ पर? आंतों में। इसके बाद अगला प्रश्न, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो उनका नाम है दोस्तों रोनाल्ड रास ने। इसके बाद अगला प्रश्न, कैंचुओं में कितनी आंखें होती हैं? तो इसका आंसर दोस्तों कोई भी आंख नहीं होती कैंचुओं में, कैंचुआ बिना आंख का रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा
क्या होगी? तो दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा होगी 16 गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो इसका आंसर दोस्तों टैपिटम लुडिसडम के कारण, से चमकती हैं तितलियों की आंखें। तो इसको चलते हैं आगे, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पारो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर दोस्तों मोर का। इसके बाद अगला प्रश्न, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों चीड़ से। इसके बाद अगला प्रश्न, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर दोस्तों फूलों की कली से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। इसका अगला प्रश्न, अग्नि नीरजा रोग किस फल से संबंधित है? तो इसका नाम है दोस्तों सेब से। इसके बाद अगला प्रश्न, समुद्री घोड़ा किस मार्ग का उदाहरण है? या किसे कहते हैं दोस्तों? यह एक मछली को कहते हैं, या मत्स्य का वर्ग का उदाहरण है। एक मछली कहते हैं, मछली का नाम होता है समुद्री घोड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका कहलाता है दोस्तों डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को ही जनसंख्या का अध्ययन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो उसका आंसर दोस्तों सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। इसके बाद अगला प्रश्न, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों पाइरोमीटर ताप मापी द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? या इसका आंसर दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस होता है न्यूनतम ताप। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर दोस्तों कहते हैं उसको प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है या कितना होता है? तो उसका आंसर दोस्तों 98 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। इसके बाद अगला प्रश्न, समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो उसका है दोस्तों अंशवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अंगूर में पाया जाता है टार्टारिक अम्ल। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों तांत्रिका तंत्र कोशिका। इसके बाद अगला प्रश्न, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। इसके बाद अगला प्रश्न, किण्वन का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों उदाहरण है किण्वन का दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और तीसरे गीले आटे का खट्टा होना। यह किण्वन का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो इसका होती हैं दोस्तों प्रोटीन का। इसके बाद अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर दोस्तों जे एल
बियर्ड ने। इसके बाद अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, और दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों यहाँ से भी निकलती है कौन? मीथेन गैस। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इस है दोस्तों, पृथ्वी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? एल्यूमिनियम। इसके बाद अगला प्रश्न, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? या सबसे तेज आवाज किसकी होती है? तो किसकी दोस्तों? बाघ की सबसे तेज आवाज होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर दोस्तों, क्रीट भाग दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न, टाइपराइटर या कंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं? आविष्कारक कौन से वैज्ञानिक का नाम है? सोल्स। इसके बाद अगला प्रश्न, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, एसीटम कहा जाता है, एसीटम। इसके बाद अगला प्रश्न, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है या कहां से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर दोस्तों, जड़ों से। इसके बाद अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन करना। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दोस्तों? काला दिखाई देता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर दोस्तों, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी यह क्वेश्चन मिल सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।